त्योहारों में खुशी, ईदैन, ईदैन है ना हमारे लिए त्यौहार, और तो नहीं है कोई, त्योहारों में खुशी तो ईदैन, ईदैन के अंदर खुशी मनाना चाहिए। कैसी खुशी मनाना चाहिए? हमारी भी ईदैन की खुशी अलग ही है। नए कपड़े नहीं पीना, ईद का मज़ा ही नहीं आ रहा आज, बहुत फीकी ईद गई। अरे कपड़े तो नए दिख रहे, फिर तू क्यों मायूस है? जूता नहीं मिला ईद पे, बहुत फीकी ईद थी, कुछ नहीं जमा ईद पर। ये ईद, ईद की खुशी है, त्यौहार की खुशी है। इस कौम को दो त्यौहार दिए गए, दोनों त्यौहार की खुशी बता दी गई, दोनों में देने वाली खुशी है। गरीबों को देकर खुशी है, ईद उल फितर में फितरा देकर खुशी है, लोगों को शामिल करके अपनी खुशी के अंदर अल्लाह की बड़ाई हम दोस्ना बयान करके ईदगाह जाते वक्त, और एक ख़ास नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करके ये त्यौहार तूने हमको दिया है, उसके बाद लोगों से मेलजोल करके खुशी का इजहार किया जाता है। अब मेलजोल में कोई नए कपड़े पहने नहीं पहने कोई मसला नहीं इंशाल्लाह, मेलजोल के अंदर कोई मीठा खाए या तेज़ खाए कोई मसला नहीं, कौमियत से बदलता रहता है मामला, अलग अलग कम्यूनिटी से अलग अलग काम, कोई मसला नहीं। लेकिन हमारे पास खुशी का एक फ़िक्स पैमाना है, फ़िक्स इलाकों, फ़िक्स चीज़ें हैं कि ईदैन की खुशी ये कि रात भर जागो, महीना भर शॉपिंग करो रमज़ान का, फिर रात भर जागो ईद से पहले, और कोई नमाज नहीं, कोई अल्लाह की हमदो सना नहीं, कोई बड़ाई नहीं, कुछ नहीं, और ईद की नमाज़ पढ़ के आगे जानवरों के ऐसा सोते पड़े रहो पूरा दिन, ये है खुशी। रात भर धंधा किया ना, फिर अब दिन भर सोऊंगा ईद कैसा, यही मेरी तो ईद मेरी रात में छो गई, बिजनेस इतना अच्छा रात में मेरा, ये है नौजवानों की ईद ही बाजार में हो जाती है रात में, ईद के दिन तो उनको मज़ा आता नहीं, हमदो सना बड़ा, ये कहाँ ये सब जैसे कि लोग निकले खुशियों मना रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माना है, बच्चे भी खुशी मनाते, ईदगाह जाते, ईदगाह जाते ही खुशी थी उनकी, क्या सब ख़त्म कर दिया हमने अपनी खुशियों को। तो बहरहाल ईद की नमाज़ को जाइए, अल्लाह की तकबीरात बयान कीजिए, फितरा आप दीजिए उससे पहले, सदकात और खैरात कीजिए, ईद के दिन अल्लाह की बड़ाई बयान कीजिए, ईद की नमाज़ पढ़िए, रिश्तेदारों से मेल मिलाप कीजिए, आपकी दीजिए तोहफे तहफ़ दीजिए। बकरीद आ गई फिर तो कोई मसला नहीं, बकरीद में तो माशाल्लाह जो है गोश्त के ज़रिए, मीट के ज़रिए आप जो है गरीबों की मदद करते हैं, है ना, गरीबों की मदद भी हो रही है उसके अंदर, उसमें अल्लाह की हमदो सना बड़ाई बयान हो रही है ईदगाह। बल्कि ये बकरीद से पहले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक से लेकर तो 9 और 10 तक पूरे हमदो सना अल्लाह की कबीराई बड़ाई बयान करते, और ये इतने अफजल अय्याम है कि इनमें किए गए अमाल साल भर के किसी दिन में किए गए अमाल के बराबर नहीं हो सकते, ये 10 दिन जो शुरुआती होते हैं, समझ रहे आप। फिर अय्याम तशरीक दे दिए गए हमको ईद के बाद के 3 दिन, ताकि खाओ और पियो, इसमें रोज़ा हराम है, मना है, ताकि इंजॉय करो जो अल्लाह ने तुमको दिया है, जो नेमतें दी है, समझ रहा। तो ये खुशी, तो ये शरी खुशी छोड़कर पता नहीं हमारी खुशियाँ कपड़ों में अटक गई, हमारी खुशियाँ मेहंदियों में अटक गई, अटकी नहीं अटकी, हमारी खुशी ये है कि रात भर मसाले हम वो कर रहे हैं, रमजान है, रात भर मसाले पीसे, जब तो शिरखुर में वो मज़ा आया, तब आया बोले वो मज़ा, ये मज़ा शिरखुर में रात भर काटने का नहीं, बगैर हाथ धोए की जो है मगजियात काटने का नतीजा है। रात भर बोले सब औरतें करी, रात भर नौजवान बाजारों में लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे, बहरहाल वो खरीदी कर रहे, रात भर फलां हुआ, रात भर नंबर लगने के बाद सुबह लड़के 2 बुक्के खा के 1 हड्डी तोड़ के 2 लीटर दूध मिला असली दूध, जब बना शिरखुरमा जिसकी तारीफ चर्चे हो रहे दुनिया भर में कि भाई इनके पास का शिरखुरमा, ये तारीफ के लिए तो मैं जान दे दूंगा लेकिन शिरखुरमे की क्वालिटी लो नहीं होने दूंगा मैं, ये मेरी खुशी है। या उसके अलावा फिर अपनी बड़ाई कपड़ों के ज़रिए बयान करके हम अपनी खुशी में दूसरे बेचारे जो उस लेवल तक वो नेमत अल्लाह ने दी उनको जलील करके अपनी खुशियां मनाते हैं ना। मैंने तो रमज़ान में भाई एक घड़ी लिया, मैं अब्बा को तो बोल रहा था मत दिलाओ, पकड़ के बोले 10,000 की लेनेज पड़ेंगी बेटे तेरे को, वो बेचारा गरीब 10,000 उसके लिए इतने हैं जितने में उसका पूरा घर चल जाता, आप उसको क्यों बोल रहे हो चीज़, बल्कि अगर आपको लगता है उसको चीज़ महसूस होंगी तो उतार के रख दो बाद में पहन लेना, क्या जाता, ठीक है आपकी नेमत है सब है, लेकिन कभी फील होता है तो लेट इट भी थोड़ा बाद में आप क्या जाता, लेकिन आप उसको तकब्बुर में, किब्र में, बड़ाई में, दिखावे में, रिया में, शानो शौकत में, शो ऑफ में क्या जाता कि भाई ईद के दिन लोग घर में आएंगे तो ये बिछाना, क्यों तो लोगों को बताना, ये थोड़ी खुशी है। खुशी है कि दिल मिले एक दूसरे से, अखलाक से उनके सामने पेश आओ। बहरहाल खुशी मनाना तो त्यौहार दो है, इसको शरीयत के मुताबिक मनाना है, शरी तरीके से इसमें खुशी मनाना है, अपनी मनमानी इन मामलों में नहीं करना और बिदअतों से बचना है। चौथी खुशी याद रखिए जो अमूमन होती है वो कौन सी खुशी है, वो है ईजाद करदा रसूमात पे। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस्लाम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बने, रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।